फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आपका सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के अधीन काम करने वाले कोई भी कर्मचारी चाहे तो अपने डिपार्टमेंट से बाहर भारत सरकार के किसी दूसरे डिपार्टमेंट, ऑफिस या फिर स्टेट गवर्नमेंट में जॉब के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो इस केस में उस कर्मचारी को टेक्निकल रेजिग्नेशन देना पड़ता है, यानी कि तकनीकी इस्तीफा देना पड़ता है। और तकनीकी इस्तीफा देने के बाद भी उस कर्मचारी का पुराने पोस्ट पर हक रहता है, उसका अधिकार बना रहता है, यानी कि एक सीमित समय के अंदर चाहे तो वह कर्मचारी अपने पुराने पोस्ट को ज्वाइन कर सकता है। और इसी अधिकार को टेक्निकल भाषा में लियन कहा जाता है और इसे हिंदी में पुनर्ग्रहण अधिकार कहते हैं, यानी कि दोबारा उस पोस्ट को चाहें तो उस पोस्ट पर वापस आ सकते हैं और उस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये लियन होता क्या है, यानी कि ये पुनर्ग्रहण अधिकार क्या होता है और किस तरह के कर्मचारी हैं जिसको लियन मिलता है और लियन के ड्यूरेशन कितना होता है, यानी कि लियन कितने समय तक के लिए होता है और टर्मिनेशन ऑफ लियन कितने समय के बाद लियन ख़त्म हो जाता है। अगर वह गवर्नमेंट एम्प्लॉई टेम्पोरी हैं तो उसके केस में लियन कैसे रेगुलेट होता है, तो यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। और इसके लिए जो सरकार का गाइडलाइन है उसका रेफरेंस मैंने ऊपर दे रखा है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए उस गाइडलाइन को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले लियन क्या होता है। लियन का डेफिनेशन जो FR 913 है, यानी कि 9 और क्लॉज 13 में दिया गया है, तो ये फंडामेंटल रूल में जो इसका डेफिनेशन दिया गया है तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इट रिप्रेजेंट्स द राइट ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई टू होल्ड अ रेगुलर पोस्ट वेदर परमानेंट और टेम्प्रोरी आइदर इमीडिएटली और ऑन द टर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ एब्सेंस, यानी कि कोई कर्मचारी अगर किसी रेगुलर पोस्ट पर है चाहे वो टेम्प्रोरी हो या परमानेंट हो तो उस कर्मचारी का अधिकार होता है उस पोस्ट पर बने रहने का। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एब्सेंस के बाद यानी कि लीव या फिर सस्पेंशन रिवोक होने के बाद वह कर्मचारी उस पोस्ट को ज्वाइन कर लेता है, और यह संभव है लियन के कारण क्योंकि उस कर्मचारी का अधिकार उस पोस्ट पर होता है। लेकिन किस तरह के कर्मचारी का लियन होता है ये आप क्लियर समझ लीजिए कि द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ लियन इन अ पोस्ट सर्विस कैडर इज इंजॉयड बाई ऑल एम्प्लॉइज हु आर कन्फर्म्ड, यानी कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनका अधिकार होता है उस पोस्ट पर। लियन का जो अधिकार होता है ये परमानेंट एम्प्लॉई के पास में है। आपने देखा होगा कि जब किसी एम्प्लॉई का अपॉइंटमेंट होता है तो उसके बाद प्रोबेशन होता है, अप्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद कन्फर्मेशन होता है, उसके बाद वह कर्मचारी परमानेंट हो जाता है उस पोस्ट पर। तो जो ही परमानेंट होता है तो उस कर्मचारी का लियन उस पोस्ट पर क्रिएट हो जाता है। और दूसरा केस है कि जब किसी कर्मचारी का प्रमोशन हायर पोस्ट के लिए होता है, कोई परमानेंट कर्मचारी है और उसका प्रमोशन हायर पोस्ट के लिए होता है तो उस पोस्ट में अगर प्रोबेशन है तो प्रोबेशन पूरा होने के बाद उस कर्मचारी का लियन उस हायर पोस्ट पर क्रिएट हो जाता है। और कई सारे केस ऐसे हैं कि प्रमोशन के केस में प्रोबेशन नहीं होता है तो उस केस में जो ही प्रमोशन होता है तो उस कर्मचारी का जो लियन है वो निचले पोस्ट से ट्रांसफ़र होकर उस हायर पोस्ट में चला जाता है, यानी कि उस पोस्ट पर लियन क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने डिपार्टमेंट से बाहर दूसरे डिपार्टमेंट, ऑफिस या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में उनके लियन का क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए जो गाइडलाइन दिया गया है। तो गाइडलाइन में सबसे पहला जो गाइडलाइन है कि परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड इन अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट हैड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पैरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जब आपका सिलेक्शन दूसरे डिपार्टमेंट, ऑफिस या स्टेट गवर्नमेंट में हो जाता है तो आपको अपने पैरेंट डिपार्टमेंट से रेजिग्नेशन देना पड़ता है। लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है कि 2 वर्ष या 3 वर्ष के अंदर चाहें तो आप अपने पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, नॉर्मली 2 ईयर्स और एक्सेप्शनल केस में 3 वर्ष के अंदर
आप अपने पोस्ट को रिज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि अपने पुराने पोस्ट पर वापस आ सकते हैं। लेकिन यह रिजाइन करने का जो खास करके अंडरटेकिंग या एग्रीमेंट होता है, तो जब आपका एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल से फॉरवर्ड किया जाता है दूसरे डिपार्टमेंट या ऑफिस में, तो उसी समय में यह एग्रीमेंट आपके साथ बनाया जाता है, आपसे अंडरटेकिंग लिया जाता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इस पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। तो यह अंडरटेकिंग उसी टाइम में बनवाया जाता है। अब बात है कि एक्सेप्शनल केस क्या होता है, कि कब लियन को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। नॉर्मली 2 ईयर्स का होता है, लेकिन एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। तो यह एक्सेप्शनल केस है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी जिसका अपॉइंटमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में हुआ रेजिग्नेशन के बाद, और 2 वर्ष के अंदर में उनका कन्फर्मेशन नहीं होता, यानी कि वहाँ पर प्रोबेशन क्लियर नहीं हो पाता है 2 वर्ष के अंदर, इन सच केसेज ही में बी परमिटेड टू रिटेन द लियन इन पैरेंट डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर मोर 1 ईयर। तो उनका जो लियन है एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक्सेप्शनल केस में 3 वर्ष हो सकता है। तो यह तब होता है कि जब उनका प्रोबेशन क्लियर उस पोस्ट पर 2 वर्ष में नहीं होता है, तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाता है लियन को, यानी कि 1 वर्ष का और टाइम दिया जाता है कि उस पीरियड में चाहे तो एम्प्लॉई अपने पुराने पोस्ट पर वापस आ सकता है, या फिर कन्फर्म हो जाता है तो उनका लियन जो है उस पोस्ट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इस समय भी जब इनका एक्सटेंशन होता है 1 वर्ष के लिए लियन को बढ़ाया जाता है, तो उस समय में भी उसी तरह का अंडरटेकिंग लिया जाता है कि 1 वर्ष के अंदर, अब पहले तो 2 वर्ष नॉर्मल था और बाद में जो 1 वर्ष बढ़ाया गया है, तो 1 वर्ष के अंदर वो अपने पोस्ट को रिज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो उनका जो लियन है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये भी अंडरटेकिंग जब 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है तब लिया जाता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि टाइमली एक्शन शुड बी टेकन टू इंश्योर एक्सटेंशन रिवर्सन रेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉई टू देयर पैरेंट कैडर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स। यानी कि कहता है डिपार्टमेंट को भी टाइमली एक्शन लेना है कि 2 वर्ष या 3 वर्ष का जो टाइम दिया गया है, तो उस बीच में या तो उनके लियन को एक्सटेंड करने की कोशिश की जाए, या फिर उस एम्प्लॉई से कहा जाए कि अपने पोस्ट पर रिवर्ट हो जाए, अपने पोस्ट पर वापस हो जाए, या फिर रेजिग्नेशन की जो प्रोसेस है ये करवाया जाए। ये टाइमली एक्शन लिया जाना है 2 ईयर्स या एक्सेप्शनल केस में जो 3 ईयर्स का टाइम दिया गया है उसके अंदर। इन केसेज वेयर एम्प्लॉई डोंट रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शन सुटेबल एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम फॉर वायोलेटिंग द एग्रीमेंट अंडरटेकिंग एज गिवन बाय देम एज पर फर्स्ट एंड सेकेंड अबव। आपने ऊपर देखा है कि दोनों केस में एग्रीमेंट या अंडरटेकिंग बनवाया जाता है, तो अगर जो उनसे कहा जाता है और उसका रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ सुटेबल एक्शन लिया जा सकता है लियन को टर्मिनेट करने के लिए। लेकिन यह भी गाइडलाइन में है कि टर्मिनेट करने से पहले एम्प्लॉई को पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी में हाउएवर बी गिवन टू द ऑफिसर प्रायर टू सच कंसिडरेशन, यानी कि लियन को टर्मिनेट करने से पहले उनको पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद अब बात आती है कि टेम्पोरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई का क्या होता है अगर वो रिजाइन देकर दूसरे डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, अपने ऑफिस डिपार्टमेंट से बाहर दूसरे डिपार्टमेंट ऑफिस या स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं। तो इसके लिए क्लियर है कि टेम्पोरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होता है उसके पास कोई लियन नहीं होता है। टेम्पोरी गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू सेवर कनेक्शंस विद द गवर्नमेंट इन केस ऑफ देयर सेलेक्शन फॉर आउटसाइड पोस्ट, नो लियन विल बी रिटेन इन सच केसेज। कि अगर टेम्पोरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई का सिलेक्शन दूसरे डिपार्टमेंट ऑफिस या स्टेट गवर्नमेंट में होता है, तो उनको रिजाइन देना पड़ेगा पूरी तरह, मैंने पूरी तरह रिलेशन ख़त्म करके जाना पड़ेगा, वहाँ उनका कोई भी लियन नहीं होगा उस पोस्ट पर। यानी कि परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 2 या 3 वर्ष का टाइम दिया जाता है, उस बीच में उसका लियन बना रहता है, लेकिन टेम्पोरी एम्प्लॉई के केस में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं दिया गया है, उसके पास लियन नहीं होता है, यानी कि आउटराइट रिजाइन देना पड़ता है उनको, उसके बाद फिर उस पोस्ट पर वापस नहीं आ पाएंगे। अब लियन जो टर्मिनेट होता है, तो इसके लिए सरकार ने बताया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स लियन ऑन अ पोस्ट में इन नो सर्कमस्टेंसेज बी टर्मिनेटेड इवन विद हिज कंसेंट इफ इट रिजल्ट इट्स रिजल्ट विल बी टू लीव हिम विदाउट अ लियन अपन अ परमानेंट पोस्ट। तो ये कहा है कि जो लियन होता है किसी परमानेंट एम्प्लॉई का, जो लियन होता है उसके पोस्ट पर, उसे उस एम्प्लॉई के कंसेंट से भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ऐसा होगा कि अगर उस पोस्ट से लियन ख़त्म कर दिया जाए और जिस पोस्ट को उन्होंने ज्वाइन किया है अगर वहाँ कन्फर्म नहीं हो पाते हैं, तो कहीं के नहीं रह जाएंगे।
ना तो पिछले पोस्ट पर वापस हो सकते हैं, पुराने पोस्ट पर वापस हो सकते हैं, और नए पोस्ट पर तो उनका कन्फर्मेशन हुआ ही नहीं। तो इस सिचुएशन में उस एम्प्लाई को नहीं छोड़ना है बीच में, तो उसके कंसेंट से भी लियन को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि जब तक अनलेस ही लियन इज ट्रांसफर्ड अ गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग सस्टेनेबली अ परमानेंट पोस्ट रिटेंस लियन ऑन डैट पोस्ट, यानी कि जब तक इस एम्प्लाई का जो लियन है वो दूसरे पोस्ट में नहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, तब तक इसका लियन पुराने पोस्ट पर बना रहेगा। जैसा कि मान लीजिए कि एम्प्लाई दूसरे पोस्ट को ज्वाइन करता है और वहाँ कन्फर्म हो जाता है, तो इस केस में इनका जो लियन है पुराने पोस्ट से वो नए पोस्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि उसके बाद इनके पुराने पोस्ट पर कोई अधिकार नहीं होगा, और उस पर कोई अधिकार नहीं होगा, उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका लियन। लेकिन अगर कहीं कहीं गलती से क्या करते हैं कई सारे कर्मचारी कि टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के टाइम में ये मेंशन नहीं करते हैं कि उनका लियन उस पोस्ट पर होगा, तो सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अगर ऐसा मेंशन नहीं भी होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन में तो भी उस सरकारी कर्मचारी का लियन उस पोस्ट पर बना रहेगा। इस एरर के लिए उनको पनिश नहीं किया जा सकता है, या फिर और टू रिलीव सच गवर्नमेंट सर्वेंट विद कंडीशन डैट नो लियन विल बी रिटेंड, या फिर रिलीव करते समय ये कंडीशन डिपार्टमेंट नहीं रख सकती कि आप लीक कर दीजिए कि आपका कोई भी लियन इस पोस्ट पर नहीं रहेगा। ये लिखने के लिए मजबूर डिपार्टमेंट नहीं कर सकती है, और पहले भी बताया गया है कि जब तक उनका लियन नए पोस्ट पर क्रिएट नहीं हो जाता है तब तक उनके कंसेंट से भी लियन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये सरकार का मेन मोटिव है कि ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसके बाद जो लास्ट इस गाइडलाइन में है कि गवर्नमेंट एम्प्लाई लियन ऑन अ पोस्ट शैल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन ही एक्वायरिंग अ लियन ऑन अ परमानेंट पोस्ट, जैसा कि पहले बताया है कि सरकारी कर्मचारी का जब लियन नए पोस्ट में क्रिएट हो जाता है, यानी कि उस पोस्ट पर वो कन्फर्म हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके जो पुराने पोस्ट पर जो दावा होता है, उनका अधिकार होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों यही नियम है परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लाई और या फिर टेम्पोररी गवर्नमेंट एम्प्लाई से संबंधित लियन का नियम, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रश्नों का आंसर मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत